दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट तथा छत्तीसगढ़ सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा आदि अनेक परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित प्रसाद जी के नाटक स्कंदगुप्त से आइए आज की एक प्रश्नोत्तरी करते हैं, जिसमें 36 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक के नाटककार का नाम बताना है। जयशंकर भट्ट, राकेश मोहन, विष्णु प्रभाकर अथवा जयशंकर प्रसाद। और सही उत्तर है विकल्प चार, जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त की रचना कब की गई? 1935, 1932, 1928 अथवा 1922। और सही उत्तर है विकल्प तीन, 1928। स्कंदगुप्त नाटक की प्रकृति है सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक अथवा सामयिक। और सही उत्तर है विकल्प दो, ऐतिहासिक। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में अंक और दृश्य की संख्या क्रमशः है 6 अंक 40 दृश्य, 5 अंक 28 दृश्य, 5 अंक 33 दृश्य अथवा 6 अंक 33 दृश्य। और सही उत्तर है विकल्प तीन, 5 अंक 33 दृश्य। स्कंदगुप्त नाटक में बौद्ध कापालिक पात्र कौन है? मुद्गल, प्रपंच बुद्धि, भटार्क अथवा पृथ्वीसेन। और सही उत्तर है विकल्प दो, प्रपंच बुद्धि। उमड़ चली भिगोने आज तुम्हारा निश्चल अचल छोर, नैन जल धारा रे प्रतिकूल, देख ले तू फिर कर इस ओर। गीत किस अंक का है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम अथवा द्वितीय। और सही उत्तर है विकल्प एक, तृतीय अंक का। स्कंदगुप्त के किस अंक में सर्वाधिक गीत हैं? प्रथम, तृतीय, पंचम अथवा द्वितीय। और सही उत्तर है विकल्प तीन, पंचम अंक में। राष्ट्रीयता और सांप्रदायिकता का खंडन कर एकता की प्रतिष्ठा किस अंक में मुखर हुई है? अंक दो, चार, तीन अथवा पांच। और सही उत्तर है विकल्प एक, अंक दो। काल्पनिक पात्र नहीं है किंगल, मुद्गल, देवसेना अथवा सर्वनाग। और सही उत्तर है विकल्प चार, सर्वनाग। रामा कौन थी?
शर्वनाद की स्त्री, मालव धन कुबेर की कन्या, भटार की माता, मातृगुप्त की प्रणयनी, और सही उत्तर है विकल्प एक शर्वनाग की स्त्री। नाटक में दर्शन और संस्कृति की अंतर प्रेरणा के दिग्दर्शन के रूप में कौन से अंक मुखर हुए हैं? अंक 4 और 5, अंक 2 और 5, अंक 3 और 5 अथवा अंक 1 और 4। और सही उत्तर है विकल्प 2, अंक 2 और 5। स्कंदगुप्त में मुख्यतः कितने पात्र हैं? 32, 25, 28 अथवा 30। और सही उत्तर है विकल्प 2, 25। संसार में क्या केवल इतनी ही वस्तुएं विचारने की हैं? पशु भी इनकी चिंता कर लेते होंगे, इसका संवाद है स्कंदगुप्त, पुरगुप्त, मातृगुप्त अथवा धातुसेन। और सही उत्तर है विकल्प 3, मातृगुप्त। पूर्ण आक्रमणकारी कौन है? प्रख्यात कीर्ति, खिंगल, भटार्क अथवा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2, खिंगल। प्रसाद के नाटकों के विषय में क्या असंगत है? उनके नाटकों में गीत होते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित होते हैं, नाटकों को प्रसादांत नहीं बनाया है, उनके नाटकों में पाश्चात्य और भारतीय नाट्यकला का समन्वय है। सही उत्तर है विकल्प 3, नाटकों को प्रसादांत नहीं बनाया है। उदार वीर पुरुष देवोपम सौंदर्य इस आर्यावर्त का एकमात्र आशा स्थल, इस युवराज का विशाल मस्तक कैसी वक्र लिपियों से अंकित है? यह संवाद किसका है? मातृगुप्त, बंधु वर्मा, देवसेना अथवा मुद्गल। सही उत्तर है विकल्प 2, बंधु वर्मा। इस नाटक में प्रसाद ने कौन सी समस्या का चित्रण किया है? विदेशी आक्रमण, आंतरिक षड्यंत्र, प्रेम का अंतर्द्वंद्व अथवा सभी। और सही उत्तर है विकल्प 4, सभी। सिंघल के राजकुमार कौन थे? मातृगुप्त, धातुसेन, पृथ्वीसेन अथवा प्रख्यात कीर्ति। सही उत्तर है विकल्प 2, धातुसेन। नियति का पथ में अपने पैरों चलूंगी किसका संवाद है? देवसेना, विजया, अनंत देवी अथवा रामा।
उत्तर है विकल्प तीन, अनंत देवी। समुद्रगुप्त में भारतीय नाट्य काव्य अवस्थाओं में से किसका अभाव है? नियताप्ति, प्राप्त्याशा, दोनों, पलागम अथवा सभी। सही उत्तर है नियताप्ति और प्राप्त्याशा दोनों। चरित्र चित्रण के अनुसार स्कंदगुप्त किस श्रेणी में आते हैं? धीरोदात्त, धीर ललित, धीर शांत अथवा धीर उद्धत। सही उत्तर है विकल्प एक, धीरोदात्त। संगीत प्रेता और निश्चल प्रेम की अभिव्यक्ति किस पात्र की विशेषता है? जयमाला, देवसेना, विजया अथवा अनंत देवी। सही उत्तर है विकल्प दो, देवसेना। देवसेना ने नाटक में कितने गीत गाए हैं? तीन, चार, पांच अथवा छह। सही उत्तर है विकल्प तीन, पांच गीत। युद्ध क्या गान नहीं है? रुद्र का श्रीगनाद नहीं है, भैरवी का तांडव नृत्य और शास्त्रों का वाद्य मिलकर भैरव संगीत की सृष्टि होती है। यह कथन किसका है? समुद्रगुप्त, देवसेना, जयमाला अथवा बंधुवर्मा। सही उत्तर है विकल्प तीन, जयमाला। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्, किस पात्र के संवाद में आया है? पर्णदत्त, बंधुवर्मा, धातुसेन अथवा मातृगुप्त। सही उत्तर है विकल्प तीन, धातुसेन। तृतीय अंक में वर्णित नहीं है चंद्रगुप्त द्वारा देवसेना की रक्षा, मातृगुप्त को कश्मीर का शासक बनाया जाना, विजया का हृदय परिवर्तन अथवा सभी। सही उत्तर है विकल्प तीन, विजया का हृदय परिवर्तन। कथा वस्तु के आधार पर स्कंदगुप्त किस श्रेणी में आती है? प्रख्यात, उत्पाद्य, मिश्र अथवा सभी। सही उत्तर है विकल्प एक, प्रख्यात। स्कंदगुप्त नाटक किस सदी के घटनाक्रम पर आधारित है? चौथी, पांचवी, छठी अथवा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प दो, पांचवी सदी। स्कंदगुप्त में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? देश प्रेम, विश्व प्रेम, आध्यात्मिकता अथवा सभी पाई जाती हैं।
सही उत्तर है विकल्प चार। ये सभी विशेषताएं स्कंदगुप्त में पाई जाती हैं। स्कंदगुप्त को एकाकी, निराश, दुखी किस अंक में दिखाया गया है? अंक चार दृश्य पांच, अंक पांच दृश्य पांच, अंक तीन दृश्य छह अथवा अंक चार दृश्य सात। सही उत्तर है विकल्प चार, अंक चार दृश्य सात। चरित्र निर्माण में मानव स्वभाव का सहज और कलात्मक प्रदर्शन हुआ है, स्कंदगुप्त के लिए किसका कथन है? नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, दशरथ ओझा अथवा रामविलास शर्मा। सही उत्तर है विकल्प दो, नंद दुलारे वाजपेयी। भयानक कुचक्र, एक निर्मल कुसुम कली को कुचलने के लिए इतनी बड़ी प्रताड़ना की चक्की, मनुष्य तुझे हिंसा का उतना ही लोभ है जितना एक भूखे भेड़िए को, कथन किसका है? स्कंदगुप्त, मुद्गल, मातृगुप्त अथवा प्रपंच बुद्धि। सही उत्तर है विकल्प तीन, मातृगुप्त का। स्कंदगुप्त में गीतों की संख्या बतानी है, 15, 16, 17 अथवा 14। और सही उत्तर है विकल्प तीन, 17 गीत। तुम कृतज्ञता का समर्थन करोगी, वैभव और ऐश्वर्य के लिए ऐसा कदर्थ प्रस्ताव करोगी, इसका मुझे स्वप्न में भी ध्यान न था, संवाद के संक का है, द्वितीय, तृतीय, प्रथम अथवा चतुर्थ। सही उत्तर है विकल्प एक, द्वितीय अंक का। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, यह कथन किसका है? गुरुगुप्त, मातृगुप्त, स्कंदगुप्त अथवा मुद्गल। सही उत्तर है विकल्प तीन, स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त नाटक के वस्तु विन्यास में प्रसाद की प्रतिभा जीवित हो उठी है, उन्होंने अपने नाट्य में अपूर्व कौशल दिखाया है, इस नाटक में भारतीय और यूरोपीय दोनों नाट्य कलाओं का सहज समन्वय है, यह कथन किसका है? नगेंद्र, हजारी प्रसाद, रामविलास शर्मा अथवा दशरथ ओझा। आज का अंतिम प्रश्न है, और सही उत्तर है विकल्प चार, दशरथ ओझा। तो मित्रों, यह थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी। स्कंदगुप्त नाटक से कुल 36 प्रश्नों को हमने आपके लिए चुना। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। बातें साहित्य की चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य के सभी वीडियो की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।